जम्मू पहुंचा हिजाब विवाद, सिख समुदाय ने प्रशासन समेत स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप, की कार्रवाई की मांग। मेरा भाई कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 25 के अनुसार दिए गए धर्म स्वतंत्रता के मामले में अब मुस्लिम समाज के बाद, मुस्लिम धर्म के लोगों के बाद टारगेट पर आ गया है सिख समाज। जम्मू से एक खबर सामने आई है, अमृतधारी सिख जो होते हैं, यानी कि जो पांच तत्व है जिनका पालन करना है, केश नहीं मुंडाना है, कृपाण रखना है, तलवार रखना है, टर्बन रखना है, उसी तरह से लड़कियों और महिलाओं के लिए भी उसमें कुछ गाइडेंस है, धार्मिक उसमें अनुपालन करने की बातें हैं, तो उसका विरोध करते हुए जम्मू की कुछ स्कूल है जिसमें एक हेरिटेज पब्लिक स्कूल है, इसने दुपट्टा ओढ़ी हुई सिख समाज की छात्राओं को प्रवेश देने से इनकार किया। फिर कृपाण वगैरह रखने वाले, टर्बन पहनने वाले ऐसे छात्रों को भी जो है, विद्यार्थियों को प्रवेश नकारा। हेरिटेज पब्लिक स्कूल और अन्य एक स्कूल है जिसके खिलाफ 4 तारीख को सिख समुदाय ने जो है अपनी नाराजगी व्यक्त की एक पत्रकार परिषद के जरिए, जिसमें सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के उपाध्यक्ष हैं एस बलविंदर सिंह सीनियर, एस राजेंद्र सिंह सुदान, एस सुंदर सिंह वजीर और जनरल सेक्रेटरी एस शरणजीत सिंह, इन्होंने एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया और उसमें स्कूल प्रबंधकों द्वारा इस संविधान की धारा या अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करना और अपनी मनमानी करना, वहीं पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाए कि पुलिस ने जो है इस मामले में जो कार्रवाई करनी चाहिए थी नहीं की, प्रशासन ने भी नहीं की, संबंधित विभागों ने नहीं की, तो किस तरीके से अब कर्नाटक और हिंदुस्तान के, भारत के अन्य राज्यों में चला हिजाब विवाद, जम्मू पहुंचा है मगर इस बार मुसलमानों के बहाने नहीं तो सिखों के बहाने, बगैर दुपट्टे की लड़कियां जा नहीं सकती, ये एक सिख धर्म का एक अहम मतलब पहलू है पालन करने का, अब उस पर बात आ रही है, लड़कों पर बात आ रही है, क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन तमाम लोगों ने वो हम आपको दिखा रहे हैं। सिख जब अमृत पान किया जाता है उसको ये दक्षिण दी जाती है, अब सिर नंगा कहीं बाहर नहीं घूमोगे, सिर नंगा नहीं रहोगे, ये 5 प्रकार के धारणी रहोगे, जीते जी इनसे आप दूर नहीं उठेंगे। तो जो बच्ची यहाँ पर आई, दुपट्टा लेके आई, सूट पहन के आई, कमीज सलवार, तो कड़ा पहना था, कृपाण पहनी थी, यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उसको बुलाया, एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये कहा कि ये तो दुपट्टा पहन के नहीं आ सकती, तू अपने कड़े का साइज छोटा करेगी, कृपाण वो पहन के आएगी जो कृपाण खोल नहीं सकती। मैं पूछना चाहता हूँ, कृपाण ऐसी कौन सा कोई न्यूक्लियर वेपन है जो उस बच्ची ने खोल के अंदर क्लास में वो वेपन चला लेना था, बाकी उसकी जो क्लास फेलो उसको नुकसान होता, छोटी कृपाण से क्या नुकसान होता। तो उसके फादर आए, जब उनसे बात हुई उन्होंने कहा जी चलो हम ये बात करते हैं, कड़ा आप अगर कहते हो छोटा कर लो मैं वो भी कर लेता हूँ, कृपाण छोटी कर लो वो मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप कहते हो दुपट्टा छोड़ दो, हम सिर्फ नंगे बच्ची को स्कूल में नहीं आ सकती, मेरी बच्ची ये हमारे लिए मैंडेटरी है सिख फेथ के लिए, इसके बिना ये नहीं आ सकती। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा कीजिए आप टीसी ले जाइए। तो जब मेरी उसके साथ बात हुई उसने कहा वीर जी अभी आप मत बोलिए, ये मेरी बच्ची को ह्यूमिलेट करते हैं, हमें भी जाके वहाँ ह्यूमिलेशन फील हुई, इतना कई हजार स्कूलों के बच्चों की स्ट्रेंथ है, उसमें मेरी बच्ची को साइड पे कर दिया गया, बच्चों को ह्यूमिलेट फील करने के लिए सरकार इंटेंशनली चाहती है बच्चे सिक्की से दूर हो, गुरु के साथ ना जुड़े, असूलों वाले ना बने, तो उस बच्चों को ह्यूमिलेट करने का मकसद। आगे आगे का आपका क्या रहेगा, किस तरह से बाकी बच्चों को सुरक्षित करेंगे कि वो अपने ककार जो है वो पहन के स्कूलों में जा सके। मैं आपके द्वारा सिख बच्चों को यह पूरी संघर्ष जितनी यहाँ खड़ी है इन सबकी तरफ से आश्वासन देता हूँ, किसी के ककार के ऊपर कोई किसी स्कूल से कोई ऐसा चैलेंज आएगा उसके लिए जितने हम यहाँ खड़े हैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे, जितना हो गया आगे से ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं करेंगे, आज जो गलती जिसने कर ली इसको भुगतनी पड़ेगी, ऐसी चीजें दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बच्चों को भी आश्वासन दे दूं, आश्वासन हो जाइए, अगर छोटे साहबजादों ने ककारों की वजह से इस बदौलत अपने पानों की आहुति दी, जिंदा नहीं हमें चिन्ह चिना दिए गए, सिक्की नहीं छोड़ी, इसलिए इन चीजों से घबरा के ककारों से दूर हटने की बात कभी नहीं जिंदगी में सोचना, हम सब पूरी कौम उनके साथ खड़ी है, जब जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ खड़े हैं, उनको ह्यूमिलेट नहीं होने देंगे।